तो दोस्तों Redmi Note 13 Pro में एड्स को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने में नीचे जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्राइवेसी का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में जाने के बाद इनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप यहाँ पर बंद कर ले। देन उसके बाद यूजर्स एंड डायग्नोसिस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, इसको आपको यहाँ से बंद कर लेना है। देन उसके बाद आप नीचे में जाते हैं तो नीचे में जाने के बाद आपको ऐड सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और पर्सनलाइजेशन ऐड को आपको यहां पे बंद कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहां से बैक होना है और बैक होने बाद ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने बाद आपको यहां पे एमएससी का ऑप्शन देखने मिलेगा, इसको दोस्तों आपको यहां पे ऑफ कर लेना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में यहां पे टाइमर चलना चालू हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद आपको यहां पे रिवोक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहां पे रिवोक वाला ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना है और इसको आपको यहां से बंद कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहां से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन देखने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। देन उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी अपडेट है उसको आपको क्या करना है, ऑटो अपडेट से नेवर अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थर्ड पार्टी को भी नेवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साथ में नीचे में जाइएगा, आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। साथ में इसका नोटिफिकेशन काफी यहाँ पे एप्लीकेशन का आता है तो इसको आपको नोटिफिकेशन को बंद करना है। देन आप क्या करें, इस पर टैप करें। टैप करने में एप्स इंफॉर्मेशन में जाए, एप्स इंफॉर्मेशन में जाने बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन अगर आपको ऑन किया है तो सभी नोटिफिकेशन को आपको यहां से बंद कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन देखने मिलेगा म्यूजिक का, इस पर आपको क्लिक करना है। म्यूजिक में अगर कोई ऐड आ रहा है तो इसको ओपन करना है, डबल डॉट में जाना है। देन आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में जाने बाद नीचे में आप जाइएगा तो शो ऐड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको बंद कर लेना है। ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑफ स्टार्टअप का ऑप्शन मिलेगा, इसको बंद करना है। पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन को बंद कर लेना है। साथ में रिमाइंडेड सॉन्ग एलार्म का ऑप्शन मिलेगा, इसको दोस्तों आपको यहां पे बंद कर लेना है। ये बंद करने के बाद आपको यहां पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसमें आपको पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको बंद करना है और शो ऐड को आपको यहां से बंद कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहां पे ऑप्शन देखने मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लीनर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिसीव रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ से बंद कर लेना है। देन उसके बाद नीचे में जाइएगा तो नीचे में भी आपको रिसीव रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। ये करने के बाद आपके मोबाइल में गूगल क्रोम देखने मिलेगा, गूगल क्रोम को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट में जाना है। देन आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे देख लेना है ऐड वाला ऑप्शन कहाँ पे शो हो रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाशिप एड्स वाला ऑप्शन मिला, इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो इसको आपको यहाँ से बंद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में गूगल देखने मिलेगा, गूगल सर्च को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद माई एड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखने मिलेगा, इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको क्लिक करके इसको टर्न ऑफ कर देना। इस प्रकार से आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दे। टर्न ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद फिर से आप नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद आपको पार्टनर एड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने मिलेगा, गेट पर्सनलाइजेशन ऐड वाला ऑप्शन। अगर दोस्तों ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो सिंपली इसको क्या करना है, आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से बैक होना है और पर्सनल रिजल्ट सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना, इसमें भी आपको गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेना है और इसमें भी शो पर्सनल रिजल्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ से बंद कर लेना है। बस दोस्तों ये सेटिंग आप यहाँ पे करें, उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी ऐड आ रहा है वो ऐड आना बंद हो जाएगा।